नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पटेल रिज्यूनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी की श्रृंखला में फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे दिमाग के बारे में और बात वहाँ पर अटकी थी कि ये जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, मतलब दिमाग उसमें किस तरह से काम करता है, किस तरह से सिग्नल देता है। और इसी रिलेटेड मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है। मेरे वहाँ पर एक फर्नीचर का काम चल रहा था और आखिरी दिन था काम का, और सुबह हमारा जो मिस्त्री था, जो कारपेंटर था, वो एक घंटा लेट हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ मिस्त्री जी। उन्होंने बोला कि मेरे बाइक का पंचर हो गया था। मैंने बोला ठीक है, आज किसी भी हालत में 7 बजे तक हमें ये पूरा काम कंप्लीट करना है। वो बोले हो जाएगा। काम शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में देखा तो उनका औजार खराब हो गया, वापिस एक घंटा खराब हुआ। ऐसे अड़चने आती गई, दिन खत्म हुआ और आखिरकार 7 बजे की जगह 8 बजे काम खत्म हुआ। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया और आज काम खत्म हो गया। पर वो उदास थे। जाते वक्त फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, उनकी बाइक खराब हो गई, अब कैसे जाए। मैंने बोला आप चिंता मत करो, मैं छोड़ देती हूँ। मैं उन्हें छोड़ने के लिए घर पर गई। उनके घर तक मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके फेस पे बहुत सी उदासी है, बहुत सारा टेंशन है। और जैसे ही घर पहुंचे, घर के अंदर एंटर होने से पहले बाहर एक पेड़ था, वहां पर उन्होंने अपने दोनों हाथ लगाए और फिर एकदम से उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, एकदम स्माइलिंग फेस के साथ, जैसे कि अभी सुबह हुए और तरोताज़ा है। वैसे बड़ी सी स्माइल के साथ उन्होंने घर में एंट्री ली और सबके साथ घुल मिल के खेलने लगे और फिर मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। मैंने पूछा कि ये पेड़ के आगे अपने हाथ लगाए और एकदम से आप खुश हो गए, ये क्या था। उन्होंने बोला कि मैडम, ये मन की खींची है, सबको यही करना चाहिए कि अगर आप काम पे जाते हो तो वहाँ के टेंशन्स जो होते हैं, जो उदासी होती है या कुछ भी मुश्किलें आई होती है, उसे घर के अंदर लेके ना आए। तो यही चीज़ हमें भी सीखनी है। और ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि हमारी बात चल रही थी इमोशंस की, दिमाग से रिलेटेड बात। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिमाग को हम जैसे सिग्नल देते हैं वैसे ही वो काम करता है। तो चलो, आगे बहुत सारी चीज़ें जाननी बाकी है। हम फिर से एक बार डॉक्टर गिरीश पटेल का इस मंच पर स्वागत करते हैं। सर, फिर से आपको हम वेलकम कर रहे हैं। वेलकम सर। ओम शांति। ओम शांति। सर, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि जब हम इमोशनल होते हैं ऐसा, तो कुछ केमिकल रिलीज होते हैं दिमाग में से, वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा था, आप फिर से बताएंगे क्या? ये जो सारी बात है वो सचमुच कॉम्प्लिकेटेड है, आज तक न्यूरोलॉजिस्ट भी उसको पूरा नहीं समझे। फिर भी सरल भाषा में जो आज तक हम समझ पाए हैं उसको अगर स्पष्ट करना हो तो हमारा ब्रेन एक तो जैसे कहा था कि वॉलनट की तरह, अखरोट की तरह है। हाँ। और उसका जो कवर है वो हमारा क्या कहेंगे, खोपड़ी है, स्कल है। उसके अंदर ये दो है, अखरोट के दो हिस्से होते हैं ना, इससे उसके अलग अलग पार्ट है, फ्रंट का हिस्सा है, बैक का है, साइड का है। वो डिफरेंट जो हिस्से है वो अलग अलग कार्यवाहियों के साथ संबंधित है। okay. जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, अलग अलग हिस्से है। और साथ साथ में जो दूसरा हमारा एक छोटा ब्रेन है, कह सकते हैं छोटा ब्रेन नहीं भी कहेंगे, इसको एक कह सकते प्रिमिटिव ब्रेन। okay. कि जो प्राणियों में ज्यादा एक्टिव है। तो उसका संबंध इमोशंस के साथ है। और वहां पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है। ओके okay. उसको स्विच बोर्ड्स के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके okay. कि स्विच, ए स्विच ऑन करो एसी ऑन हो गया, ए स्विच ऑन करो फ्रिज ऑन हो गया, ए स्विच ऑन करो गीजर ऑन हो गया। राइट right. तो ऐसे ही वह हाइपोथैलेमस में स्विचेस है। ओके okay. कि एक स्विच एक्टिव हो तो आपको भूख लगती है, दूसरी स्विच एक्टिव हो आपको नींद आती है, ऐसे है ना। ये मोटा मोटा है। ओके okay. सूक्ष्म में बहुत कुछ हो सकता है एक्सप्लेन करने का। और अब दूसरी बात हम लोग ये समझ रहे थे कि बचपन में हम सीखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से नर्व्स में वो मैसेजेस जाते हैं। yes. तो इलेक्ट्रिसिटी जरूर है, परंतु एक अगर नर्व है, एक कोशिका है दिमाग की, कि जो बहुत सारे उसके डेंड्राइट्स है, 5, 10, 15 भी, कि जो केमिकल्स को, और एक जो डेंड्राइट है दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और वहां पर जिसको का साइनेप्स, अच्छा, कि वह केमिकल्स रिलीज करता है। कहेंगे कि ऐसे ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा केमिकल्स है और मोटे रूप में 4 है। अच्छा। जिसको अभी हम भी
जो दूसरे बहुत सारे हैं ना वो सूक्ष्म है, शायद हम लोग भी इतना उसके बारे में नहीं जानते। अच्छा। वो एक थ्योरेटिकल है कि जब रिसर्च वर्क होता है तो उसमें वो काम के है, मोटे रूप से चार है। एक तो जैसे सेरोटोनिन, या डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है वो उसके साथ उसका संबंध है। अच्छा। दूसरा एक है डोपामाइन, ओके। तीसरा एसिटाइल कोलिन, और चौथा है गाबा, जिसका संबंध एंग्जाइटी के साथ है ज्यादा। हाँ, डोपामाइन है, उसका रिलेशन है ना एग्रेशन के साथ। जब व्यक्ति एग्रेसिव होता है ना, जिसको आमतौर पर पागलपन हो गया, अच्छा, तो वहां पर डोपामाइन का रिलेशन है। अच्छा। तो ऐसे यह केमिकल्स की मात्रा बहुत सूक्ष्म में भी कम ज्यादा हो तो आपके वो इमोशंस बदल जाते हैं। ओके। जो दवाइयां काम करती है ना वे केमिकल्स पर काम करती है। राइट। अब जब हम ब्रेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो दिमाग जो ये डिफरेंट वे में कार्य करता है ना, तो उसको एक आपने भी सुना होगा स्कैन्स होते हैं ना, जैसे एमआरआई कराते हैं। हाँ जी, हाँ, जैसे एमआरआई एक प्रकार से है, उससे भी एडवांस्ड है, फंक्शनल एमआरआई। ओके। उसमें क्या होता है कि वो फंक्शन को मेजर करती है। ओके। वो व्यक्ति में कि उस समय जैसे अभी मुझे गुस्सा आया तो कौन सा पार्ट एक्टिव हुआ है ना, वो देख सकता है। राइट। जो फंक्शनल एमआरआई में वो दिख सकता है कि ये पार्ट इनका एक्टिव हो रहा है, तो पता अच्छा। चलता है कि ये हिस्सा है वो क्रोध के साथ रिलेटेड है। ओके। है ना, कोई व्यक्ति निराश हो रहा है तो जो पार्ट उसका एक्टिव हो रहा है तो ये पार्ट उसके साथ रिलेटेड है। ओके। है ना, ऐसे समझ में आएगा। दूसरे इससे भी एडवांस्ड स्कैन्स आ गए अच्छा, कि जो ओवरऑल अपने को बताएंगे, ब्रेन का एक ओवरऑल आपको पिक्चर देंगे। और एक न्यूरोलॉजिस्ट है जिसने करीब 38,000 स्कैन्स की स्टडी की। ओ ना, मैं उसको देख रहा था, उन्होंने जो वर्क किया मुझे फैसिनेट हुआ कि एक ही न्यूरोलॉजिस्ट ने 38,000 स्कैन्स की स्टडी की है और उनका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है। अच्छा। वो जो फंक्शनल एमआरआई से भी हायर लेवल के स्कैन्स है कि जिसमें एक तो डिफरेंट कलर्स आते हैं। राइट। कि तो कलर इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें जो पैटर्न आती है वो पैटर्न इम्पोर्टेंट है। ओके। और पैटर्न जैसे आप देखिए ना कि यंग लोगों के देखो तो डिफरेंट है, जैसे व्यक्ति ओल्ड होता है तो वो पैटर्न में डिफरेंस आता है। अच्छा। जैसे थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है ऐसा भी वहां समझ में आता है, वो आम व्यक्ति भी समझ जाएगा। अच्छा अच्छा। राइट। जी, जी। सर अभी ये जो हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ब्रेन का ग्रोथ कैसे होता है? ऐसे तो 4-5 साल तक वो न्यूरॉन्स सारे निर्माण हो जाते हैं। ओके। हाँ। और फिर ओल्ड एज में थोड़े से ज्यादा कम नहीं होते। ओके। कम होते हैं लेकिन थोड़े से ही कम होते हैं। ओके। और अब जो इफेक्ट है वो इफेक्ट दो प्रकार से है। एक तो अगर हम ब्रेन का प्रॉपरली यूज नहीं करते, जिसको कहेंगे डिसयूज एट्रोफी। ओके। जैसे कोई चीज का भी हम मसल्स का यूज नहीं करते तो मेरे मसल्स वीक हो जाएंगे। ओके। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल स्ट्रांग होते हैं। ओके। क्योंकि उसका आप यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो ब्रेन की सारी मैकेनिज्म है उसको जितना आप यूज करेंगे तो वो स्ट्रांग होगा। ओके। ना, उसमें एट्रोफी नहीं होगी। ओके। और अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वह उसकी जो कार्यवाही कम कम कम, और मेनली तो सेल्स भी कम होते कुछ मात्रा में। अच्छा। लेकिन उसके जो कनेक्शन है ना वो कम होंगे। ओके। आज अगर मेरा एक ब्रेन सेल है 100 कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, मैं नहीं यूज करूंगा तो 80 करेगा, 70 करेगा। अच्छा। तो ब्रेन के जो कनेक्शंस है वो कनेक्शंस मेरे कम हो गए। ओके। और दूसरी जो एक इफेक्ट होती है वह कुछ चीजों की भी। ओके। जैसे एक तो इमोशंस की इफेक्ट होगी, नहीं टेंशन तनाव की इफेक्ट होगी उसके ऊपर। और दूसरी जो इफेक्ट है कुछ केमिकल्स की भी इफेक्ट होगी। अच्छा। आज हम जो खाते हैं उसमें भी इस प्रकार की जिसको फ्री रेडिकल्स कहा गया। अच्छा। और कुछ केमिकल्स भी आते हैं कि जो टॉक्सिक है। सर आपके कहने का मतलब है कि जैसे हम कुछ खाना खाते हैं और जैसे कोई बैड हैबिट्स है, जैसे स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो या नेगेटिव कुछ सोचते हैं जैसे आपने बताया, उन सब चीजों की
ब्रेन पे असर होती है। अगर हम जो खाना खाते हैं उसमें आयरन ले रहे हैं, वो आयरन की कमी है तो भी ब्रेन पे इफेक्ट होगी। अच्छा। एक बात समझा नहीं है कि ज्यादा आयरन भी नुकसान कारक है। ऐसे जो भी, और जैसे जिंक, वो ज्यादा भी हानिकारक है। ओके। इसलिए उसका एक बैलेंस लेना है। ओके। इसी कारण अधिकतर मैं बताता हूँ कि थोड़े से सप्लीमेंट ठीक है। ओके। कि आज तो ना वेस्टर्न कंट्रीज में तो क्रेज हो गया कि आपको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे, विटामिन्स लेने ही पड़ेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने ही पड़ेंगे, उसके बिना कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमें खाने में इतने मिलते नहीं है। ओके। कुछ मात्रा में ठीक है, लेकिन वो ज्यादा हो जाए तो भी हानिकारक है। जैसे नहीं, कहीं लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, कहीं कॉपर के बर्तन में बनाते कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ज्यादा हो गया तो भी दिमाग पर बुरा असर डालेगा। ओके। इसलिए सप्लीमेंट्स, मतलब मैं जो आमतौर पर राय देता हूँ कि ऐसे कोई नेचुरल वे में बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। ओके। समझो आप नेचुरल सोर्सेस लेते हैं कि फ्रूट ज्यादा खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अंकुरित खाना खा रहे हैं, तो बहुत स्प्राउट्स लेंगे तो उतना एक्सेस नहीं हो सकता है। अच्छा। क्योंकि आप कितना खाएंगे। सही है। परंतु जब सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कई बार वो ज्यादा हो सकता है। हाँ। वो दूसरी एक बात है, जैसे नहीं विटामिन ई का बहुत कहा गया है। यस, कि विटामिन ई है वो ब्रेन के लिए अच्छा है, सचमुच अच्छा है, लेकिन जो आप कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं तो एक ही प्रकार है। ओके। एक्चुअली नेचर में आज तो विज्ञान को पता है कि करीब 4 प्रकार के विटामिन ई है। ओके। वो जो चारों तो आपको नेचुरल में से मिलेंगे। Oh. कि आप हरी सब्जियां जैसे पालक खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, अंकुरित चीजें खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, right. तो चारों प्रकार के मिलेंगे। ओके। और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि शायद और भी 4-5 प्रकार होंगे जो आज तक विज्ञान को मालूम नहीं है। हाँ, सही बात जब है। हम पढ़ते थे तब ये सब नहीं बताया गया था। वो तो पिछले 30-40 सालों में ये रिसर्च हुई, तो हो सकता है आने वाले दूसरे 30-40 सालों में और भी होगा कि भी 10 प्रकार के विटामिन ई है। सही बात है। या तो और कोई भी विटामिन्स है कि जिसके बारे में आज तक तो हम सोच ही नहीं रहे थे। राइट। इसके कारण सबसे अच्छा तरीका है कि ये नेचुरल चीजें आप खाओ। ओके। है ना, कि और उससे मतलब सब कुछ मिलेगा। अच्छा सर, ये तो मैं भी मानती हूँ कि हमें कोई सप्लीमेंट्स है तो उसका मतलब यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, जहां तक जरूरत है उतना ही करो, बाकी थोड़ा थोड़ा लो, क्योंकि करो। नहीं मिलता है उसके कारण लो। और देखो एक दो बातें, फिर वो डिजीज का जो आपका प्रश्न है ना उस पर भी आता हूँ। और कुछ एक बातें जो उसमें, एक तो एक्सरसाइज, इवन रेगुलर एक्सरसाइज करो तो ब्रेन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट है। ये जो स्पेट स्कैन्स है वो उसमें भी डिफरेंस मालूम पड़ता है। ओके। हाँ, तो इसलिए नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है ऐसा नहीं। ओके। जो ब्रेन का फंक्शंस है उसके ब्रेन के फंक्शन को भी अच्छा करती है। राइट। नियमित सोना भी जरूरी है। ओके। आज कई लोग कहते हैं कम सो के भी हमको चलता है। ओके। लेकिन आप कम सोएंगे तो ब्रेन पर इफेक्ट तो होगी ही होगी। राइट। ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति इमीडिएटली डिटैच हो जाता है, वो गहरी नींद सो रहा है, डेल्टा स्लीप की जो बात है कि सचमुच आपको पर्याप्त मात्रा में डेल्टा स्लीप मिल रही है तो ठीक है। ओके। अन्यथा आम व्यक्ति को ठीक से करीब 6 घंटा तो सोना चाहिए। राइट। तब अन्यथा अगर कम सोएंगे, भले आपको लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, परंतु ब्रेन पर इफेक्ट हो रही है। सही है। अच्छा सर, ये तो है कि हमें सोना चाहिए, उसका वक्त भी हमें मतलब फिक्स करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी 6 बजे सो गए, कभी 7 बजे सो गए, शाम को नहीं। कई लोग ऐसे होते 6 बजे सो गए, फिर रात को 12 बजे उठ के जगते हैं। ब्रेन से रिलेटेड जब बीमारियां कहेंगे तो मोटे मोटे रूप में 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो अगर ब्रेन में कुछ ट्यूमर हो गया। ओके। है ना, कुछ गांठ, छोटी बड़ी गांठें हो गई और कुछ हुआ। है ना, कहीं कैल्शियम इकट्ठा हो गया। ओके। तो उस प्रकार का। दूसरा एक जो पूरा है जिसको का वास्कुलर डिजीज, कि वो ब्लड वेसल से रिलेटेड है, कि जो रक्त वाहिनियां है, एक तो कहीं ना गुब्बारे की तरह हो जाए, कहते हैं एन्यूरिज्म हुआ। ओ। वो जब तक है आपको कुछ, लेकिन फट गया तो खत्म। हाँ। है ना, जैसे हार्ट में एन्यूरिज्म होता है, ऐसे ब्रेन में भी हो सकता है। राइट। और
एजिंग प्रोसेस के कारण, टेंशन के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, डायबिटीज के कारण वो ब्लड वेसल्स पर असर होती है। ओके। और वो ब्लड वेसल्स, जैसे एक तो आपकी ब्लड वेसल्स हार्ड हो गई तो ठीक से खून ब्रेन में नहीं पहुंचा रही है, तो आगे की जो ब्रेन के सेल्स है ना वो डैमेज होने लगेंगे, या तो ब्लड प्रेशर के कारण, क्रोध के कारण वो ब्लड वेसल्स फूट गई। ओके। तो बोले सूक्ष्म है परंतु उससे भी वो ब्रेन डैमेज होगा। ओके। और वो जिसको कहेंगे कि भी वास्कुलर डिजीज है। तो ऐसे रूप पे दिमाग की बीमारियां भी है डिफरेंट डिफरेंट, राइट, कि जो अल्टीमेट उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के अंगों पर भी होगा। कि भी कहीं आप ठीक से देख नहीं पाएंगे, कहीं पैरालिसिस हो गया। ओके। है ना, और इमोशंस पर भी उसकी इफेक्ट हो सकती है। अच्छा। अगर वो कम मात्रा में ही है तो हो सकता है कि वो जो प्रेजेंटेशन है वो इमोशंस के, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिफेक्ट्स। अच्छा। कॉग्निटिव डिफेक्ट्स मतलब कि जो व्यक्ति सोचता है ओके वो ठीक से सोच नहीं पाता है। ओके। जैसे कोई कहे कि भाई मैं 60 का था तब तक तो ठीक था, अभी भी कोई टेंशन नहीं है, कोई परिवार में प्रॉब्लम नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं ठीक से सोच नहीं पाता हूँ। ओके। या तो जल्दी भावुक हो जाता हूँ, है ना, कहीं ब्लैंक हो जाता हूँ। हाँ, कई लोग भूल भी जाते हैं। वो फिर तो समझ में आता है। जैसे एक अल्जाइमर है, कि अल्जाइमर में तो वो समझ में आता है कि भी व्यक्ति भूल रहा है ना। और अल्जाइमर में कई बार ऐसा होता है कि जो तुरंत हुआ ना वो भूल गया। अच्छा। 50 साल पहले का याद है। ओके। कि 10 साल का था, मैंने क्या क्या किया था विविडली याद है, लेकिन खाना क्या खाया था मैं भूल गया। राइट। है ना, तो एक पैटर्न है उसके द्वारा हमको ठीक से मालूम पड़ता है। ओके। तो पहले तो जो होता है वो कॉग्निटिव डिफेक्ट्स आती है, इमोशनल डिफेक्ट्स आती है। फिर आगे चल करके जो ब्रेन के कारण होने वाली तकलीफें हैं, जिसे कहा कि भी अल्जाइमर या डिमेंशिया, वो भी एक प्रकार से मेमोरी डिफेक्ट है। ओके। वो फिर सामने आती है। राइट। आप मेमोरी डिफेक्ट की बात कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है, ऐसा कुछ दिमाग पे चोट लगती है, तो इंसान का कुछ सालों का मतलब जो मेमोरी होता है ना वो गायब हो जाता है, वो क्या होता है? हो सकता है क्योंकि स्पेसिफिक पार्ट डैमेज हुआ कि जिसका वो सर्किट के साथ रिलेशन था, तो उसकी वो मेमोरी खत्म हो जाएगी। ओके। या तो कुछ फंक्शंस खत्म हो जाएंगे, राइट, वो स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि मेरी उंगली काम नहीं कर रही है। ओके। है ना, तो वो क्योंकि स्पेसिफिक पार्ट जो से रिलेटेड है वो वर्क नहीं कर रहा है। ओके। लेकिन अभी इसमें ब्रेन कहेंगे कि उसके अंदर महानता ब्रेन की यह है, या तो कि विशेषता यह है, उसमें स्पेशलिटी यह है कि ब्रेन का डिफरेंट पार्ट काम कर सकता है, डिफरेंट फंक्शंस। देखो कैसे पता चला, ये सिंपल बात से सबको समझ में आ जाएगा, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लोगों को ब्रेन इंजरीज हुई, बुलेट्स लगी ब्रेन में। ओके। है ना, कि भी किसी को एक ही बुलेट लगी है परंतु ऑलमोस्ट अपाहिज हो गया, कि भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ लॉन्ग, अभी मेरे में ताकत ही नहीं, मैं गया। अच्छा। और कुछ लोग ऐसे थे कि भी 4-4 बुलेट्स लगी है, ब्रेन का डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग नॉर्मल हो गए थोड़े टाइम में। एक बार जरूर उनको इफेक्ट हुई फर्स्ट, परंतु बाद में वो नॉर्मल हो गए। और ऐसे लोगों पर स्टडी भी की गई, नहीं ऐसे बहुत सारे केसेस पर स्टडी की गई कि ये क्या है। अच्छा। कि एक किस्से में वो जो एक्चुअल ब्रेन डैमेज छोटा है परंतु फिजिकल मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा है, राइट, दूसरे किसी में ब्रेन डैमेज ज्यादा है परंतु फिजिकल मैनिफेस्टेशन कम है, और वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट ठीक भी हो गया। अच्छा। तो उसमें ये देखा गया कि अगर व्यक्ति कोशिश करे, डिफरेंट प्रकार की चीजें है, वो अगर एफर्ट करता रहे तो एक दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा काम करने लगेगा। अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस उंगली को हिलाने के लिए जो हिस्सा मेरा काम कर रहा है वो डैमेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा। परंतु ये उंगली को हिलाने का जो हिस्सा है वो अभी भी काम कर रहा है, तो ये हिस्सा ये काम भी ले लेगा। ओके। और ये उंगली भी मेरी नॉर्मल काम करने लगेगी। अच्छा। वो नजदीक में ही है। ओके। तो वो टेक ओवर कर, जैसे कंपनी में एक कोई छुट्टी पे है तो दूसरा व्यक्ति उसका काम करेगा ना। अच्छा। तो ये बात सुन के तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे हम, जैसे बच्चों में अगर हम देखें तो
अभी फैशन आ गया कि उनको सारी एक्टिविटी कराओ, सिंगिंग भी कराओ, डांसिंग भी कराओ, एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं, तो ये सब कराना ज़रूरी है ना शायद वो नहीं, इसी। नहीं मतलब वो भले वो फोकस एक चीज पर करे, भी जो है आप बच्चों की बात करते हैं, नहीं लेकिन वो मतलब ये डिफरेंट करे। एक्टिविटीज जो अगर हम करते हैं तो दिमाग के अलग अलग हाँ हिस्से यूज हाँ होते हाँ हैं हाँ तो वो नहीं डेवलप एटलीस्ट होंगे। नो एज अ हॉबी तो बहुत कुछ करे अच्छा। उसको, एक अगर करियर बनाना है तो एक एरिया में फोकस करे, परंतु एंजॉय करने के लिए एक नहीं अपनी कैपेसिटी आए उसके लिए डिफरेंट चीजें भी करे। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ओल्ड एज में भी जो आते हैं फिर वो एक अपना अलग से क्लब बनाते हैं और क्लब में ही सारी एक्टिविटी करते हैं, तो शायद इसमें ये है कि दिमाग के अलग अलग हिस्से काम करें, क्योंकि आपने बोला कि जो हिस्सा काम नहीं करता वो फिर डेड हो जाता है या फिर पैसिव हो जाता है, हाँ, तो उसको तो एक्टिव नहीं रखना मतलब पड़ता है। ओल्ड एज में भी आप हाँ एक्टिव रहो, मेन ओके। चीज तो ये है। आप कहते तो उसका भी एक कुछ उसका ताल्लुक है कि डिफरेंट भी कुछ कुछ करो। ओके। ओल्ड एज में भी आप जितना भी एक्सपर्ट नहीं भी हो, उससे क्या जस्ट फायदा इंजॉय, होगा। मतलब नहीं इंजॉय करने के लिए आप डांस भी करो, चलो थोड़ा और कुछ गेम्स भी खेले अच्छा। और कुछ भी किया, तो एक तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एक्टिव रहेंगे। ओके। और ओल्ड एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है ना, वो ये है कि रिटायर नहीं हो, ओके। भल आपकी पेस कम हो जाएगी कि और 10 साल के बाद, आज मैं 30 पेशेंट देखता हूँ शायद, और 10 साल के बाद मैं 10 पेशेंट ही देखूंगा, ओके। परंतु जो बंद नहीं करना है। सर वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो आपने बताया कि दिमाग के अलग अलग हिस्से भी एक्टिव रखने चाहिए और खुश रहना चाहिए उसके लिए भी एक्टिविटी करनी चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया है, तो इसको हम अगले एपिसोड में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने देखा कि दिमाग किस तरह से काम करता है और दिमाग के ऊपर कौन सी चीज़ों की नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होती है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नेचुरल सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, मतलब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो नहीं लेके नेचुरल सोर्सेज से ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स को लेने की कोशिश करें। बहुत मज़ा आ रहा है और इस मज़े को हम और ज़्यादा लेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस होने वाली है कि एक्टिविटी करने से हमारे ब्रेन के सारे पार्ट किस तरह से एक्टिव रहते हैं और इनसे हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो अगले एपिसोड में हमारे साथ रहना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी जाकर फिर वापस आने के लिए। थैंक यू सो मच।